लोकसभा में सोनिया दिखाने लगी तस्वीर, फिर जो हुआ। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी गुरुवार 17 मार्च को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने से काफी पहले लोकसभा पहुंच गई, जहां उनके पास अपने बेंच साथियों को दिखाने के लिए कुछ दिलचस्प था। उन्होंने अपना फोन निकाला और साथी सांसदों टीआर बालू डीएमके और फारूक अब्दुल्ला को एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर दिखाने लगी। हालांकि इन दोनों से ज्यादा सोनिया के उत्साह पर डीएमके नेता दयानिधि मारन का ध्यान गया, जो उनके पीछे खड़े थे। मारन चाहते थे कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष उन्हें तस्वीर भेजे। सोनिया ने राकांपा सांसद सुप्रिया सुले को फोन दिया कि मारन को तस्वीर भेजी जाए। हालांकि सुले ऐसा नहीं कर सकी। सदन के अंदर खराब कनेक्टिविटी के कारण फोटो शेयर नहीं की जा सकी, जिसके बाद उन्होंने मारन का फोन लिया और सोनिया गांधी के फोन से तस्वीर के स्क्रीनशॉट लिए। सुप्रिया सुले ने अपने फोन से एक फोटो भी क्लिक की। इस खबर को देख आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और इसी तरह की खबरें देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए न्यूज़ रूम से हिमानी की रिपोर्ट।